हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी शाम के लगभग 5:20 हो रहे हैं, यानी 5:20 PM। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज हम लोग चलने वाले हैं बिहार मिलिट्री पुलिस 5 मंदिर, और आइए आपको वहां जाके और कुछ भी वहां की जानकारी। जैसा कि आप सब अभी देख रहे हैं कितनी अच्छी मौसम की हुई है, और मेरे चारों तरफ बहुत ही अच्छी अच्छी नज़ारे आपको देखने को भी मिल रही होंगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना अच्छा भी फील हो रहा है, कितनी अच्छी मतलब मौसम की उन्हें लग रहा है कि अभी कहीं घूमने जाया जाए या कहीं किसी पहाड़ी वगैरह रहती तो बहुत मज़ा आता, बादल हमारे बहुत करीब होता। जैसे कि अब अभी देख रहे हैं, अभी मैं बारिश से चल रहा, थोड़ा जल्दी जाऊँगा। ये चल ले चलते हैं आपको मंदिर के पास। ये देखिए मंदिर आ चुके हैं हम, और ये रहा हमारा तालाब, BMT तालाब जिसे आप कह सकते हैं। और ये देखिए हमारे बगल में बत्तख है, डक जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और ये देख सकते हैं कि बत्तख यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी 6 हैं, 2 और भी होंगे इन साइड में। देखिए 2 आगे में आपको देखिए, 8 टोटल 8 बत्तख है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये बत्तख, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये इसकी आवाज़ आप सुनने की कोशिश करेंगे, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी आवाज़ है इसकी, बहुत ही मतलब अंदर से एनर्जेटिक फील कराता है। यहाँ आके आप देखोगे, बैठोगे, थोड़ा सा आपको बहुत ही शांति मिलेगी। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, मतलब मंदिर को घूमने फिरने का जो होता है ना, यहाँ अगल बगल का लोकेशन बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आप देख सकते हैं बरसात शुरू हो चुकी है, और ये बत्तख बरसात में मौज कर रहे हैं, यानी मस्ती कर रहे हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। बस कैमरा हमारा जिग जैक हो रहा है, मोबाइल से शूट कर रहे हैं, बरसात में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये रहा देखिए तालाब में, अच्छी तरह से पानी की बूंदें बरस रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। ये देखिए बरसात का मौसम कितना अच्छा लग रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे अगर आप पटना के हो तो एक बार जरूर यहाँ आओ, जगह पर BMP 5 मंदिर तालाब जिसे कहते हैं, BMP 5 मंदिर भी आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही इस तालाब में बहुत सारी ऐसी ऐसी मछलियाँ हैं जो कि आपको देख के बहुत ही असंभव होंगे। जैसे यहाँ के लोग जो रहे आते हैं तो यहाँ कुछ खिलाते ही हैं, जैसे कभी बिस्कुट खिलाए, कभी कुछ, कभी कुछ, मतलब यहाँ के लोग इसे कुछ ना कुछ हमेशा खिलाते रहते हैं। और अभी बरसात देख रहे हैं जैसा कि आप कितनी तेज़ी से हो रही है, बरसात का जो मज़ा है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और सावन का फर्स्ट डे है जो कि बरसात का ही दिन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दृश्य देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे बत्तख लोगों के द्वार मस्ती है, आज बरसात का पूरा आनंद उठा रहे हैं बत्तख के लोग। और आइए हम ले चलते हैं आपको मंदिर की ओर, तो चलते हैं ऊपर, देख सकते हैं हम अभी अंदर मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये मंदिर परिसर, और ये देख सकते हैं यहाँ शिवलिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये रहा उनका नंदी, शिव जी की जो सवारी होती थी वो नंदी से ही होती थी, वही नंदी जिसे हम लोग बैल कहते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यहाँ मंदिर की सफाई रखी गई है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इसकी बहुत ही अच्छी तरह देखभाल की जाती है इस मंदिर की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छी सुंदर देखने में लग रही है आपको, लेफ्ट साइड में हनुमान जी, राइट साइड में काली जी, ये रहा हमारा हनुमान मंदिर श्री हनुमान, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। आइए आगे की ओर ले चलते हैं आपको, इसमें मतलब चारों कॉर्नर पे एक एक छोटी छोटी मंदिर बनाई गई हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। थोड़ी सी कैमरा हिल रही है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था, मोबाइल से लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बरसात में श्री राधे कृष्ण दरबार, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये BMP 5 मंदिर में है, देखने को आपको मिलेगी। ये देख
राधे कृष्ण की मूर्तियाँ कितनी अच्छी से, ये मैं आपको हनुमान जी की मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ। ये हमें मेरे फर्स्ट ही राइट में थी, जो कि मैं फुलगुवाड़ी के पवन कुंज हनुमान दरबार जिसे आप कह सकते हैं। ये रहा देखिए बाहर जो तालाब का सीन वगैरह है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ के नज़ारे देखिए तो हवा आपको सामने दिख रहा है, यही इसी सीढ़ी के द्वारा अभी हम आए थे ऊपर। और ये रहा देखिए श्री राम दरबार, ये अभी आपको राम जी का ही दर्शन होगा, श्री राम लक्ष्मी जी सीता जी हैं यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप कितनी अच्छी मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। और ये देखिए ऊपर से हमारे बत्तख जी हैं जो नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, प्रसाद का पूरा मजा ले रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही मतलब मुझे यहाँ आके बहुत ही सुकून सा लगता है। आज के वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर।